झारखंड में आरजेडी ने खुद की ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। रांची प्रदेश कार्यालय में आरजेडी के नेता अपने तेवर में दिखे। कहने को तो मौका प्रदेश स्तरीय नेताओं की बैठक और नए प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत का था, लेकिन निशाने पर हेमंत सोरेन सरकार रही। मौके पर आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। इस मौके पर आरजेडी के नेता खुद की गठबंधन सरकार में अपनी उपेक्षा को लेकर नाराज दिखे। प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने तो यहां तक कह दिया कि अगर स्थायी मुख्यमंत्री बने रहना, अगर अंगद की तरह पांव जमाए रखना है तो आरजेडी को साथ लेकर चलना होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने मन की कर रहे हैं, आरजेडी की उपेक्षा की जा रही है, संगठन के नाते एक सीमा तक ही इसे बर्दाश्त करेंगे। आरजेडी इस बात को लेकर तैयारी भी कर रही है कि आने वाले चुनाव में उनकी पार्टी किस तरह चुनाव लड़ेगी। तो आरजेडी ने हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला बोला है, उन पर अपनी उपेक्षा का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि वो इसे ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने चेतावनी नहीं दिया है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया है कि अगर परमानेंट मुख्यमंत्री रहना है और अंगद की तरह पांव को जमा के रखना है तो राष्ट्रीय जनता दल को आपको साथ लेके चलना होगा। साथ तो है तो फिर नाराजगी क्यों? बहुत से ऐसी बातें हैं जो मुख्यमंत्री जी अपने मन से कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल को उपेक्षा कर रहे हैं। तो एक संगठन है, एक समय सीमा तक उसको हम लोग। तो आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने जोरदार हमला बोला है हेमंत सरकार पर। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश कुमार लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आरजेडी के जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय सिंह यादव, उन्होंने जोरदार हमला बोला है हेमंत सरकार पर और उन पर अपनी उपेक्षा का आरोप लगाया है। देखिए पूजा, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आरजेडी जो सरकार में शामिल है और उनके नेता जब बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई बात अंदर खाने में जरूर चल रही है। सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि झारखंड में जेएमएम के साथ कांग्रेस और आरजेडी तीनों मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाई है और ऐसे मौके पे कहीं ना कहीं यहाँ के इनके कार्यकर्ता, आरजेडी के कार्यकर्ता खास करके अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। और जिस तरीके से जो बैठक करके कई चीजों को तय किया गया है उसमें सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि सबसे पहले उन्होंने अपने अधिकार और हक की बात की है और कहा है उपेक्षा अगर की गई तो आने वाले समय में आरजेडी अपना रास्ता तलाश भी सकती है और साथ साथ ये भी हो सकता है कि इसका विरोध भी देखने को मिल सकता है। ये एक बड़ी बात और सामने आई है कि मुख्यमंत्री एक त्योहार यात्रा करने जा रहे हैं जिसके साथ वो तमाम जिलों में जाकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, लोगों के साथ बातचीत करेंगे और उसके बाद से वहाँ कार्यक्रम निर्धारित किए जाएंगे, लेकिन इसका भी आरजेडी ने विरोध करने का। राकेश जी, ये कहीं ना कहीं गठबंधन सरकार की जो गुटबाजी है, जो मनमुटाव पार्टी में चल रहा है वो भी उजागर करती है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ने साफ साफ कहा है हेमंत सरकार को अगर सत्ता में बने रहना है, अंगद की तरह पांव जमा कर रखना है तो उन्हें आरजेडी को साथ लेकर ही चलना पड़ेगा। तो एक तरह से इसको चेतावनी भी मानी जा सकती है हेमंत सरकार के खिलाफ। देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आरजेडी कहीं ना कहीं अपनी बात रखने के साथ साथ इस बात का भी जिक्र किया है कि हेमंत सोरेन को अगर सत्ता में बने रहना है तो शायद उनको आरजेडी के कार्यकर्ताओं का उपेक्षा नहीं करना होगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपना एक दबाव बनाने की राजनीति कही जा सकती है और साथ साथ आने वाले समय में जब चुनाव होंगे उस समय आरजेडी कोई बड़ा फैसला भी ले सकती है। हो सकता है कि कई सीटों पर वो खुद चुनाव लड़ने की तैयारी करे। इन सारी चीजों को लेकर आरजेडी की तरफ से जरूर अपनी बात कही जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक समझ पता नहीं चल पाया है कि सरकार चला रही पार्टियों के जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से क्या कुछ बयान आएंगे, लेकिन आरजेडी का दबाव लगातार कायम है। राकेश जी, लेकिन इस नाराजगी की वजह क्या सामने निकल कर आ रही है? आरजेडी को ऐसा क्यों लग रहा है कि हेमंत सरकार जो है उनकी उपेक्षा कर रही है? देखिए राज्य में जिस तरीके से अभी 3 साल की सरकार हो चुकी है और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो बोर्ड, निगम और बाकी कई ऐसे बड़े पद हैं जिस पर कहीं ना कहीं किसी को अभी तक बिठाया नहीं जा सका है और ऐसे में जो खास करके जो तय किया गया था पिछली बार की बैठक में उसमें आरजेडी के तहत जो लोगों को जाना था उस बोर्ड निगम में उनको तवज्जो नहीं दी गई है, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई है और हो सकता है कि अगर इस तरह की स्थिति बनी रहेगी तो आरजेडी कोई बड़ा फैसला भी लेने के लिए मजबूर रहेगी। जी राकेश जी, एक तरह से दबाव बनाने की भी कोशिश कह सकते हैं इसको सरकार पर, क्योंकि आरजेडी इस बात को लेकर भी तैयारी कर रही है कि आने वाले चुनाव में उनकी पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव आने की कोशिश में है, ऐसा कहा जा सकता है।
देखिए निश्चित तौर पे कहा जा सकता है, क्योंकि राज्य में कई ऐसी सीटें हैं विधानसभा की जहां पे पहले आरजेडी के नेताओं का वर्चस्व रहा है, वहां पे काफी एमएलए जीतकर आते रहे हैं। तो ऐसे में जब गठबंधन के साथ जुड़कर उन्होंने चुनाव लड़ा था तब शायद हो सकता है कि ज्यादा सीटें आई हैं, लेकिन अलग अलग चुनाव लड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं जहां गठबंधन पे आंच आएगी वहीं सही सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि आरजेडी के कुछ और लोग जीत कर जब आएंगे तब उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो अपनी बात रखी है आरजेडी के नेताओं ने और आने वाले समय में इसे किस रूप में देखा जाएगा, किस तरीके से वे आगे बढ़ेगी, क्योंकि आरजेडी के नेताओं का कहना है कि कई सीटों पर उनकी उपस्थिति पहले से दर्ज कराई गई है और वहां वे चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने और गठबंधन के सामने रखने की कोशिश की गई है पार्टी की तरफ से। राकेश जी, नेताओं का जो ये मनमुटाव है या ये गुटबाजी है, ये गठबंधन सरकार पर कितना असर डालेगा या कितना प्रभावित कर सकता है सरकार को? देखिए फिलहाल सरकार पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि आरजेडी की तरफ से एक ही विधायक जीत कर आया है और वो मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन संगठन में ऐसा माना जाता है कि कई ऐसी सीटें हैं खास करके पलामू इलाके की, चतरा इलाके की, जहां आरजेडी की भूमिका काफी अहम मानी जाती है और उनके कार्यकर्ता बड़ी संख्या में है। तो अगर अलग अलग चुनाव लड़ने की नौबत आएगी तो जहां एक तरफ आरजेडी अपना अस्तित्व तलाशने की कोशिश करेगी, वहीं गठबंधन के साथ लड़कर जब चुनाव लड़े जाएंगे नहीं जा पाएंगे तब जाकर शायद उनको भी नुकसान हो सकता है, सीटें जरूर आने वाले चुनाव में कम हो सकती है और प्रभावित किया जा सकता है। जी जी राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी अपडेट के लिए।